गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक तकनीक का इस्तेमाल कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद नाराज नेताओं के विरोध के सुर भी तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी के लोग रूठे नेताओं की मान मनवल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान के राष्ट्रीय भाजपा नेताओं का नाम न होना एक हैरानी वाला कदम है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, लेकिन इसमें राजस्थान के एक भी राष्ट्रीय नेता का नाम शामिल नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के कई नेताओं को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को इस बार गुजरात चुनाव से दूर रखा। राजस्थान से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं को इस बार गुजरात चुनाव से दूर रखा गया है, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 150 नेताओं को फील्ड वर्क में लगाया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जबकि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय सचिव हैं, राज्य प्रभारी अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं और सह प्रभारी विजया राहटकर राष्ट्रीय सचिव हैं। सांसद जसकोर मीणा अरुण चतुर्वेदी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य है, लेकिन इनमें से किसी भी नेता को गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया। ये बात स्पष्ट है कि बाकी के जितने नाम हैं वो राजनीति के लिहाज से, संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, चेहरे के लिहाज से शायद स्टार की सूची में ना आते हो, लेकिन वसुंधरा राजे से निश्चित तौर पर वो बड़ा चेहरा रही हैं। क्या गुजरात के बहाने राजस्थान की सियासत में कोई मैसेज दिया जा रहा है? वसुंधरा वैसे भी किनारे कर दी गई हैं, लेकिन क्या ये संदेश और खड़ा है? बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या बीजेपी राजस्थान में किसी नई रणनीति के साथ उतरने वाली है? क्या बीजेपी को ये रणनीति भारी पड़ सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रचार किया था, इसलिए भी सवाल गहराता है। और अशोक गहलोत को कांग्रेस की तरफ से कमान दी गई है, राजस्थान के नेताओं का यहाँ पर असर पड़ता है, क्योंकि राजस्थान के कई बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो गुजरात में भी रहते हैं। मारवाड़ी समाज का एक सीधा सीधा कनेक्शन है राजस्थान गुजरात का, इसीलिए राजस्थान के कई नेता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वसुंधरा राजे पिछले विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थी, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं दी गई है। हालांकि राजस्थान भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और संगठन को केंद्रीय नेतृत्व गुजरात चुनाव में पहले ही सक्रिय कर चुका है। पड़ोसी राज्य होने के नाते सतीश पूनिया ने गुजरात चुनाव के लिए राजस्थान के 108 नेताओं की ड्यूटी अलग रखी है। राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री भी गुजरात चुनाव में संगठनात्मक कार्यों में और राजस्थानी वोटर्स को साधने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। गुजरात में राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को 108 नेताओं की टीम के बीच चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में संगठन की मजबूती और गुटबाजी को नकारने का भाजपा लाख दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में गुटबाजी के चलते उन्हें 5 सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश में पार्टी की गुटबाजी भले ही पार्टी आलाकमान के डर से सार्वजनिक तौर पर दिखाई न पड़े, लेकिन हर उपचुनाव में भाजपा बिखरी नजर आती है। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से 3 बार अब तक हुए 7 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। भाजपा के उपचुनाव में हार की बड़ी वजह पार्टी के एक बहुत बड़े गुट की उपचुनाव से दूरी रही। चुनाव के दौरान अंदर खाने तलखी साफ बढ़ती गई। इनमें प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का है। राजे के अलावा पूर्ववर्ती सरकार में कमान संभालने वाले कई मंत्री और बड़े चेहरे उपचुनावों से दूर दिखाई दिए। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है और 8 को परिणाम आना है, और इस दौरान दोनों ही पार्टियां जो बड़े दल हैं, वैसे तो अब त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अब बड़े बड़े चेहरों को दनादन उतारना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे स्तर पर भी रैलियां हो रही हैं। वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस जो है अब वो उतारने जा रही है, हालांकि बहुत छोटा उनका दौरा रहेगा, बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद सारे बड़े चेहरों को एक साथ दोनों पार्टियां उतार रही हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, वो अपने दल की तरफ से एकमात्र स्टार दिखाई देते हैं। भगवंत मान, मनीष सिसोदिया जैसे चेहरे भी उनके साथ में रहे, लेकिन ज़्यादातर रैलियाँ जो हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल करते दिखाई दे रहे हैं अभी भी। तो सारे बड़े चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं। जब एक तरीके से इसको कारपेट बॉम्बिंग का नाम प्रमोद महाजन ने ये टर्म दी थी कि किस तरीके भी एक युद्ध में इस्तेमाल होता है हालांकि, लेकिन जब इस तरीके से टारगेट करके एक एक जगह पर छोटी छोटी जगहों पर रैलियां होती, तो ये कारपेट बॉम्बिंग की तरह पूरा प्रचार हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर प्रचार हो रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया इसमें गायब है। कुछ तो भूमिका हो ही सकती थी, कोई क्षेत्र तो दिया जाए। अगर उनको दूर रखा गया है तो इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही, या उनसे नाराजगी को भी स्पष्टता सामने
सामने रख दिया गया है, या अब उनका चेहरा जो है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा काम का नहीं रह गया बीजेपी का, इस तरह का संकेत दिया गया है? कुछ बड़े गंभीर सवाल है, आप भी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर रखें। लेकिन हम आपको बता दें कि गुजरात में दो चरणों में अब वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना जो है 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल गुजरात दोनों के नतीजे आ जाएंगे इस दिन, और इसके साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता की भी घोषणा हो गई है। बहरहाल चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब होना, उनकी कोई रैली नहीं होना, ये कई संकेत दे रहा है बीजेपी की तरफ से। यानी कहा जा सकता है कि गुजरात की सियासत के बहाने, गुजरात के चुनाव के बहाने राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा संकेत दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।